सुबह 5 बजे वहाँ पुलिस वाले जाके ये उन लोगों को कह रहा है ये थाम्बू खाली कर दो, ऊपर चढ़ो। ये लोगों को अच्छा से ढंग से कपड़ा लेने नहीं दिया, सामान लेने नहीं दिया, जल्दी फटाफट करते करते ये लोग यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। देखिए आग लगा देता है, उसकी बात जहाँ छोटा मोटा हम इबादत करने के लिए जो मस्जिद बनाया वो भी टूट दिया, ये कोई कौन सा इंसानियत है? कम से कम इबादत करने के लिए मस्जिद तो रहने देते। On July 22nd, a mosque made up of tarpaulin sheets and bamboo sticks was bulldozed at a Rohingya camp that was built on the land of Uttar Pradesh's irrigation department. 16 Rohingyan families living in these camps were evicted from there. Along with the mosque, their washrooms and water pipes were destroyed by the UP police and Delhi police. After the demolition, the families were asked to relocate to the outside tents. The Rohingyan community alleges that they had asked the officials not to demolish their only place of worship. पिछले 3 दिन में हम लोगों का घर जब जल गया था तब से इधर लुक गया था, नहीं आ रहे, इसलिए बाहर एक सुल्ला पे मिली बैठा गया था। तो फिर वो जिसका जगह है उसने आके वो उसको सबसे पहले उसको उठा के रास्ता के ऊपर ला के दिया और उधर नलका तोड़ दिया और लैट्रिन तोड़ दिया, मस्जिद भी तोड़ दिया। तो हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, लैट्रिन के लिए नल, पानी के लिए नहाने की बहुत दिक्कत है, कपड़ा मपड़ा धोने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद खालिक है, मैं यहाँ से 2012 से रह रहा हूँ। तो अभी जहाँ धूप हेल्पम था वहीं पे पहले था वो भी तोड़ दिए। अभी एक गाड़ी का पानी, मतलब एक गाड़ी का पानी कह रहे 2 दिन तक चला ले, 2 दिन तक चला। हाँ, अभी 1 दिन भी नहीं चलते तो फिर कैसे चलो। एक भी बाथरूम नहीं है, बाथरूम है लेकिन संसन घाट पे, यहाँ से बहुत दूर है, मतलब रास्ता पार होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बिल्डिंग है जो रेन का कमरा का अंदर 2 फैमिली का, इधर ऐसी कमरा में आवाज उठाएंगे तो उसी कमरा में आवाज जाती है। किस तरीके से ये कपड़ा है, प्लाई नहीं है, डबाल नहीं है, ये कपड़ा भी इस तरह यहाँ पे सोता है, उधर वाला भी देखता है, यहाँ पे बात करता है उधर वाले सुनते हैं। अगर एक की फैमिली में 8 मेंबर है, 5 फुट जगह में कैसे वो सोएगी, कैसे जिंदगी कैसे गुजारेंगे। दूसरी बात ये सुबह रात टॉयलेट का कोई गारंटी नहीं है, 1 किलोमीटर दूर है लैट्रिन, सरकारी लैट्रिन, वहां से उधर तक कैसे जाएंगे। तो हमारे लिए ज्यादा ये मुश्किल ज्यादा है। पहले हम यहाँ मस्जिद बना के रखे हैं ऐसे टेम्पररी मस्जिद, वो नमाज अदा करने के लिए बस 22 तारीख में आके ये तोड़ दिया। या हम तो ये परमानेंट नहीं, यहाँ जान बचाने के लिए आए हैं, यहाँ तो परमानेंट रहने के लिए नहीं आए, ना यहाँ हमारा मकसद है ज़मीन कब्ज़ा करना नहीं है किसी का। हम कब्ज़ा क्या करेंगे भाई, अपना देश में अपना खुद का ज़मीन हमारे हाथ से निकल गया, हम यहाँ क्या करेंगे। ये तो हमारा सिर्फ मसला हल होने तक यहाँ रह रहे हैं। अभी आप खुद घर पे जाकर देख सकता है, ये जो टैंक लगा है, टैंक का घर अंदर जाकर देख सकता है, सब भिगोआ है, बारिश की वजह से सब भिगा है। ये रात को ऐसे रहेगा बच्चा, जैसे ऐसे रहेगा। तो ये हम लोग जैसे हो रहे हैं, हम लोग का साथ ये सलूक करना अच्छा नहीं होगा। जैसे करना हम लोग अपना मजदूरी करके खा रहा हूँ, किसी का मदद करना आ रहा है ना, मदद भी नहीं चाहिए मैं हम लोग किसी का। हम लोग मेहनत है, जिस दिन यहाँ 2012 में आकर हम लोग पैर में खड़ा हो गया मिट्टी में, जब बात आ गया हम तो हिंदी सीख गया, सब अपना मजदूरी करके खा सकता हूँ, ना कि जाए कक्षा से नौकरी ना नहीं ले रहा हूँ, नौकरी भी नहीं मिले हम लोग का, ऐसे भी नहीं मिले और लेना भी नहीं चाह रहा हूँ। हम लोग दूर रोजी रोटी खाने के लिए मजदूरी करके खाने का अच्छा है, हम लोग पेट भरना है मजबूरी में।
तो हम लोग जिस दिन मेरा डेस्क सुरक्षित हो जाएगा हम लोग खुद चला जाएंगे। तो हम लोग ये है सिर्फ, हम लोग यहाँ ना किसी का जगह लेने के लिए नहीं आया हूँ, ना यहाँ मकान बनाने के लिए नहीं आया हूँ, ना यहाँ किसी का रेसिडेंट लेने के लिए नहीं आया हूँ, किसी का यहाँ नागरिकता लेने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन हम लोग वहाँ देश में थोड़ा मजबूरी है, वहाँ जुल्म हो रहा है, जान बचाने का फर्ज बनता है, तो जान बचा के यहाँ आया हूँ। आज यहाँ जितना प्रॉपर्टी देख रहा हूँ वह इतना प्रॉपर्टी हम लोग का पास है, लेकिन मजबूर है हम लोग छोड़ के यहाँ आ गया हूँ। हम यहाँ एक गज जगह लेकर हम लोग क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, यहाँ लेकर क्या करूँगा। हम लोग अपना वतन है, जिस दिन अपना देश सुरक्षित हो जाएगा हम लोग किसी को ना भगाने का कोशिश करना पड़ेगा, ना किसी को बोलना पड़ेगा, खुद अपना आप चला जाऊँगा। सिर्फ बोलना यह है हम लोग ना किसी के मैं मदद, इतना मदद आ रहे चावल वगैरह वो नहीं चाहिए, क्या किसी के देने का पैर नहीं पड़ता, अब कितना दिन देगा। सिर्फ हम लोग देने के लिए मजबूरी है, एक महीना हो साल हो, जब अपना देश जितना सुरक्षा नहीं हुआ इतना तो थोड़ा हम लोग को जगह मिलेगा ना, काफ़ी है हम लोग के लिए, ना किसी का खाना पीना मदद नहीं। ये भी जगह जो मिलेगा ना किसी का, मैं यहाँ जगह कब्जा करने के लिए नहीं आया हूँ और करूँगा भी नहीं बिल्कुल। फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ द पेंडेमिक इन इंडिया एंड द इम्पोजिशन ऑफ अ नेशनवाइड लॉकडाउन, the refugees were left struggling. After the lockdown was lifted and things were finally getting better for the rest of the country, it was only getting worse for the Rohingyas living here.